जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना महात्मा गांधी के आसपास ही घूमती रहती है। जैसे आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए और बहुत सारे मतलब जितने हमारे फ्रीडम मूवमेंट है ना उससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं योगदान जरूर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू से लेकर महात्मा गांधी के जीवन के लेकर कि कैसे कैसे उनके जीवन में कैसे कैसे बदलाव आए और उन्हें किस प्रकार भारतीय संविधान में योगदान दिया, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उनके जीवन के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ क्या हुआ। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी हुआ इनका जन्म जो हुआ 1869 में गुजरात के पोरबंदर नाम स्थान, पोरबंदर को दोस्तों ना सुदामपुर भी कहते हैं, याद रखना सुदामपुर। ठीक है दोस्तों, गुजरात में जगह पड़ती है। 2 अक्टूबर, ये भी याद रखना इनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869। इनका पूरा जो नाम था ना दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा जो नाम था मोहनदास करमचंद, करमचंद गांधी था। गुजरात में एक पहले एक परंपरा चलती थी कि जो बेटा तो था ना उस बेटे के नाम के आगे उनके पिता का नाम भी जोड़ा जाता था। ठीक है दोस्तों, उसी तरह देखिए आप, इनके पिता का नाम जो था ना, इनके पिता का नाम जो था वो करमचंद गांधी था। करमचंद उत्तम दास गांधी, क्योंकि जैसे इनका नाम क्या मोहन, जैसे करमचंद जो है इनका नाम था इनके पिता का, और उनके पिता का क्या नाम था, उत्तम दास गांधी। जिस तरह महात्मा गांधी का नाम क्या था, मोहनदास, और इनके पिता का नाम क्या है, करमचंद गांधी। तो उनके जो जैसे खुद का तो नाम इनका करमचंद है, इनके पिता का नाम क्या था, उत्तम दास। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब महात्मा गांधी के दादा का नाम क्या था, उत्तम दास गांधी। ठीक है दोस्तों, इनके जो पिता थे ना करमचंद उत्तम दास गांधी, ये कौन थे, देखिए ये पोरबंदर जो जगह है ना, पोरबंदर जो जगह है शुरुआती दिनों में वहां के राजकोट एक जगह पड़ती है, राजकोट, राजकोट के दीवान थे इनके पिता जो थे, राजकोट के दीवान हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, दीवान मतलब मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री मतलब सीएम के बराबर का पद है सीएम। ठीक है दोस्तों, इनके जो पिता थे ना इन्होंने 4 शादियां करी। शुरुआत की जो 2 शादी हुई ना, देखिए आपसे पूछा जाए कि ये जो करमचंद गांधी थे महात्मा गांधी के पिता जो थे इनकी कितनी शादी है, 4 शादियां थी दोस्तों। तो चौथी जो शादी हुई ना, चौथी शादी जो थी उनसे पैदा हुए हैं महात्मा गांधी, मतलब इनकी माता का नाम जो था ना वो पुतली बाई था, जो इनकी चौथी वाइफ थी करमचंद गांधी, करमचंद उत्तम दास गांधी की चौथी वाइफ थी, और महात्मा गांधी इनसे ही पैदा हुए, पुतली बाई से। महात्मा गांधी जो थे उनकी 13 वर्ष की आयु में शादी हुई थी किसकी, कस्तूरबा गांधी से। किससे दोस्तों, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये इनसे 1 साल बड़ी थी, मतलब 13 साल की आयु में महात्मा गांधी की शादी, महात्मा गांधी जब ये सन है 1883 में महात्मा गांधी की क्या हुई, मैरिज हुई थी किसके साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ। ये उस समय 14 साल की थी, यहाँ 1 साल बड़ी है इनसे। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे आप देखिए जो महात्मा गांधी थे शुरुआत के उनका जो बच्चा हुआ ना वो तो मर ही गया था, फिर उसके बाद जो है 1888 के दिनों में इनका पहला लड़का हुआ। ठीक है, जो जिंदा रहा, तो इनके महात्मा गांधी के टोटल 4 लड़के हैं, याद रखना टोटल 4 पुत्र हैं इनके, उनके हम देखते हैं जल्दी से। तो इनके 4 बेटों के नाम क्या है दोस्तों, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास, ये 4 लड़के थे महात्मा गांधी के। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जमुना जी बजाज जो है ना, बजाज जो कंपनी है उसके जो फाउंडर मेंबर थे जमुना जी बजाज जो थे, इनको महात्मा गांधी का 5वां बेटा कहा जाता है, सिर्फ कहा जाता है, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं इनमें से किसको महात्मा गांधी का 5वां बेटा कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जमुना जी बजाज। इनको अंग्रेजों ने ना राय बहादुर की उपाधि दी थी, याद रखना,
जमुना जी बजाज को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि भी दे रखी थी। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी, इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन तो अपने राजकोट के आसपास ही इन्होंने करी। फिर एक अंग्रेज ब्लस्टर आया, उन्होंने बताया कि भाई आपको पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चल पड़े लंदन की ओर पढ़ने के लिए, और वहां पे इन्होंने लॉ की परीक्षा करी। लॉ जो है ना, कानून की पढ़ाई पढ़ी लंदन में, और वहां पे इनकी माता ने बोला था कि कोई मांस मदिरा नहीं खानी, ना आपको कुछ ऐसे मतलब मदिरा पीना है, ना मांस खाना है। तो महात्मा गांधी ने वहां पे कुछ भी नहीं खाया ऐसा जो उनका धर्म वश करे, ठीक है। तो उन्होंने ला के पढ़ाई करी वहां पे, बहुत दिक्कत आई उनको, फिर भी किसी तरह उन्होंने पढ़ाई कर ली वहां से। और ये लौट के कब आए वहां से, 1891 महात्मा गांधी जो है लंदन से कब लौट के वापस आया, 1891 में। इसके बाद इन्होंने, इनको नौकरी की तलाश थी, नौकरी की तलाश में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ ये 1892 में, एक दिमाग बात है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो वहां के जजेस थे, उन्होंने कहा आप अपने विटनेस, एक केस देते हैं आप अपने विटनेस, मतलब इस केस को आप सोल्व करके दिखाइए, विटनेस दिखाइए। तो महात्मा गांधी जो विटनेस सो ही नहीं कर पाए, और एक केस हार गए थे महात्मा गांधी, इसलिए वहां पे नौकरी नहीं मिली महात्मा गांधी को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये अपने गुजरात वापिस आ गए। गुजरात वापिस आए तो उनके लिए दिक्कत ये, नौकरी तो थी नहीं। तो एक बंदा मिला इनको, दादा अब्दुल्ला, गुजरात का ही बंदा वो, दादा अब्दुल्ला। इनके भाई का बिजनेस जो है ना, वो साउथ अफ्रीका में चलता था, शिप का बिजनेस। शिपयार्ड होते हैं ना, जो समुद्री जहाज में शिपयार्ड होते हैं, जहाँ समुद्री जहाज बनते हैं, वहां पे इनके भाई का बिजनेस चलता था साउथ अफ्रीका में। तो इन्होंने कहा आप वहां पे नौकरी, वहां मेरे भाई को एक वकील की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी को इन्होंने कहा, तो महात्मा गांधी मान गए। इन्होंने कहा आपको 105 यूरो मिलेंगे, 105 यूरो महीने की सैलरी मिलेगी, और अलाउंस मिलेंगे आपके वहाँ के रहने पीने के, सब आपको अलाउंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी राजी हो गए इस बात के लिए, और वो चल दिए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका कब निकले हो, 1893 में, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए, 1893 में गए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब वहां पे जब गए हैं ना, इनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वहां पे। वहां पे नस्ल भेद चल रही थी, वहां पे काले गोरों का भेदभाव चल रहा था, कहां पे, दक्षिण अफ्रीका में। तो एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी एक जगह है पीटर्सबर्ग, महात्मा गांधी एक टिकट कराई फर्स्ट क्लास की ट्रेन की, और वो चल गए ट्रेन के अंदर और बैठ गए फर्स्ट क्लास में। तो वहां होता ये था, काले गोरों का भेदभाव चलता था, महात्मा गांधी भी थोड़े काले ही थे। तो हुआ ये है, अंग्रेजों ने ना देखा कि कोई व्यक्ति, ये काला व्यक्ति है, ऐसे फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकता है। तो महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से फेंक दिया था पीटर्सबर्ग नाम के स्थान पर, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही उनके साथ भेदभाव हुए वहां पे, जैसे कि वहां की कोर्ट ने ना, टर्बन की कोर्ट ने महात्मा गांधी को कहा कि आप जो टर्बन बांधते हैं ना काले कलर का टर्बन, उसको आपको हटाना पड़ेगा। वहां की कोर्ट ने यह आदेश दिया। इसके अलावा जो भारतीय थे ना, इनको अंग्रेजी जो ब्रिटिश कॉलोनी होती था उसमें जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे एक बार चले गए महात्मा गांधी गलती से, तो वहां पे अंग्रेजों ने इनके साथ इनकी मारपीट की, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है महात्मा गांधी को बहुत बुरी लगी कि यार भारतीय जो है उनका तो कोई इज्जत ही नहीं है, साउथ अफ्रीका में कोई इज्जत ही नहीं है। तो महात्मा गांधी ने वहां के लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि कहने कहते हैं ना, जब तक बंदे को कुछ ऐसा दिल पे चोट नहीं लगती तब तक वो कुछ करता नहीं। तो महात्मा गांधी के अंदर का मतलब जाग गया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने वहाँ लोगों को इकट्ठे किया, भारतीयों को इकट्ठा किया कि सारे एकजुट हो जाओ, हमारी तो कोई इज्जत नहीं है, हमें आंदोलन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है दोस्तों। तो हुआ क्या, देखिए 1894 में महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना करी है, नटाल, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है दोस्तों, या नटाल कांग्रेस के नाम से भी जान सकते हैं, सिंपल, ठीक है। 1894 में नटोल यानी भारतीय लोगों को गठन करके कांग्रेस बनाया, जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है दोस्तों। इसमें काफी लोग भारतीय जुड़ गए, और महात्मा गांधी वहां पे धीरे धीरे अपना काम करने लगे। हुआ ये 1900 में ना साउथ अफ्रीका में लड़ाई छिड़ गई, गृह युद्ध छिड़ गए, जिसको बियोर्स वार्स के नाम से हम फेमस हैं इतिहास में, बियोर्स वार। तो यहाँ पे जो लड़ाई में जो लोग शहीद हो जाते थे या बीमार होते थे या फिर घायल हो जाते थे, उनको लिए महात्मा गांधी ने ना इसी नटाल इंडियन एम्बुलेंस सेवा की स्थापना करी। 1900 में महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर्प्स, ये एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करी। वहां की जो लड़ाई लड़ी होती थी उनका साथ देते थे यहाँ पे, ठीक है, महात्मा गांधी जी।
तो याद रखना 1900। इसके अलावा देखते हैं क्या किया महात्मा गांधी ने वहां पे। महात्मा गांधी ने 1902 में ना, 1902 में महात्मा गांधी ने वहां एक फॉर्म बनाया था। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक फॉर्म हाउस होता है ना, फार्म हाउस, वो बनाया। उस फार्म हाउस का नाम था टोलस्टॉय, टोलस्टॉय फार्म हाउस, फार्म कह सकते हो, फार्म बनाया, ठीक है, कब, 1902 में। और महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया पहला आश्रम जो था, देखिए 1904 में बनाया एक आश्रम भी, उस आश्रम का नाम याद रखना आप, फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स ये एक आश्रम बनाया था महात्मा गांधी ने कहां पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों, 1904 में। अब महात्मा गांधी का हम देखते हैं सत्याग्रह जो है ना, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब कहां किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी का जो पहले सत्याग्रह था ना वो कहां पे था, साउथ अफ्रीका में, कहां पे दोस्तों, साउथ अफ्रीका में ही। उस सत्याग्रह का नाम देखिए, पहले ये आप याद रखिए कि महात्मा गांधी जो थे ना उन्होंने सत्याग्रह कब किया, सन याद रखना आपको, 1907 में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का, 1907 में। अब वो ये किस बात के लिए सत्याग्रह था 1907 वाला, 1907 में हुआ ये है ना दोस्तों, भारतीयों को ना कंपल्सरी था एक रजिस्ट्रेशन पास लेना, गले में एक रजिस्ट्रेशन जो होता था ना, आईडी मिलती थी भारतीयों को, वो गले में लटका के चलनी पड़ती थी। तो उसके विरोध कि भारतीय ही क्यों ऐसा करे, और कोई लोग ऐसा क्यों नहीं करते। तो जो 1907 में सत्याग्रह चलाया कंपल्सरी, जो सत्याग्रह चलाया है महात्मा, किसके अगेंस्ट चलाया है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण बोलते हैं हिंदी में, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियंस, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर इंडियंस, कि भारतीयों के लिए ना जबरदस्ती क्या करते थे, एक रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था और एक कार्ड लेके गले में फिलना पड़ता था। तो ये इसको महात्मा गांधी कहा कि भारतीय ही क्यों, तो इसके खिलाफ जब महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चलाया 1910 में। उसके बाद दूसरा सत्याग्रह महात्मा गांधी का 1910 में था, होता यह था सिर्फ ईसाई धर्म को ही ना, जो ईसाई धर्म की जो लोग होते थे वो शादी करते थे उनको ही मान्यता मिलती थी शादी की, तो इसके खिलाफ भी महात्मा गांधी ने क्या चलाया है, ये कौन सा है, तो सत्याग्रह अगेंस्ट, सत्याग्रह अगेंस्ट इमिग्रेशन, रेस्ट्रिक्शन, यानी जो प्रवासी जो बाहर से आके बसे हैं ना उनकी जो मैरिज है उनकी मैरिज को कोई भी मान्यता नहीं दी जाएगी दोस्तों, ऑफ नॉन क्रिश्चियन। अगर आप ईसाई धर्म हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, तभी आपकी शादी को क्या मिलेगी दोस्तों, आपकी शादी को क्या मिलेगी, मान्यता मिलेगी, इसके अलावा आपको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। सिंपल भाषा में 1907 में जो कंप्रेस ये चलाया गया इसके किसके खिलाफ था, भारतीय जो थे ना उनको कार्ड लेके एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था वो गले में लेके चलना पड़ता था, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो था जो सिर्फ ईसाई धर्म को ही क्या मिलती थी, उनकी शादी की मान्यता मिलती थी, और भारतीय जो थे हिंदू जो थे वो अगर सारी शादी भी कर ले मैरिज कर ले तो उनकी उनको मैरिज की वो क्या कहते थे कि कोई मान्यता नहीं मिलेगी आपकी मैरिज को, चाहे आप 10 साल से रह रहे हो चाहे 15 साल से, कोई आपको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने दो सत्याग्रह चलाए साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। तो ये साउथ अफ्रीका की कुछ बातें हैं महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए दोस्तों वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था दुनिया में, क्या स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वार। तो वर्ल्ड वार के दौरान जो है महात्मा गांधी बीच वर्ल्ड वार में भारत लौट आए थे। महात्मा गांधी जी 1915 में क्या हुआ, भारत लौट के आ गए 9 जनवरी, इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखना 9 जनवरी 1915 को भारत, आपसे पूछा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट गए, 9 जनवरी 1915, ठीक है दोस्तों। जब वो भारत आए तो अंग्रेजों ने कहा कि आप भारतीयों को कहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में ना हमारा साथ दे। तो महात्मा गांधी को कुछ पता नहीं था कि वो तो भारत तो बहुत ही कम रहे ना, उनको क्या पता कि भारत अंग्रेज क्या कर रहे हैं भारत में, कितना अत्याचार कर रहे। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया और भर्ती करने लगे भारतीयों को, ठीक है। खुश होकर अंग्रेजों ने उनको केसरी हिंदी की उपाधि दे दी थी, पेपर में आ जाए महात्मा गांधी को केसरी हिंदी की उपाधि किसने दी, तो आपका आंसर अंग्रेज आएगा, ठीक है, केसरी हिंदी, क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत सारे क्या किए हैं, भर्ती किए हैं लोगों को, लोग ना उनको महात्मा गांधी को एक टाइटल दिया कि ये जो बंदा है ना
ये भर्ती करने वाला सर्जेंट है। तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से भी जाना गया दोस्त, सर्जेंट, ठीक है। ये भारतीय लोगों का भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा? महात्मा गांधी को, ठीक है। अब जो महात्मा गांधी ने भर्ती किए हैं, वो जब युद्ध लड़ने जाते थे तो कई तो मर जाते थे, उनकी कोई अब खबर नहीं होती थी कब आए कब गए, ठीक है। तो काफी सारे लोग, तो जो आप जो बंदे भेजे गए उनके जो परिजन थे, माँ बाप थे, वो जब पूछते थे महात्मा गांधी से हमारा बेटा कहाँ है या हमारे पति कहाँ है कुछ भी, तो महात्मा गांधी के पास क्या जवाब होगा? महात्मा गांधी को क्या पता कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी से सारे भारतीय बहुत गुस्सा होने लगे कि भाई ये भर्ती करने वाला सर्जेंट है, इसको पीटो, इसको पत्थर से मारो, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है उनसे काफी दिनों तक छुपते फिरते इधर उधर, उनको क्या पता लगता कि क्या हो रहा है भारत में। तो एक बंदे मिले इनको, गोपाल किशन गोखले, उन्होंने बताया कि आप भारत को क्या जानते हो, आप पहले भारत में घूमिए जाके देखो अंग्रेजों ने क्या हाल कर रखा भारत। फिर महात्मा गांधी को, यानी महात्मा गांधी को सीख दी। तो आपसे पूछ लिया महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल किशन गोखले, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उनका मार्गदर्शन का काम किया, उन्होंने बताया कि भारत आप घूमिए। तो महात्मा गांधी जाते हैं पूरे इंडिया में घूमते हैं, फिर उनको पता लगता है कि कितना भारत में अंग्रेजों ने कितना बुरा हाल कर रखा है, फिर उनका दिमाग खुला है, फिर वो उन्होंने भारतीय इंडिपेंडेंस में सहयोग करने का अपना उद्देश्य बनाया कि मैं भारत में रहकर क्या करूंगा, भारत को अंग्रेजों से, जो अंग्रेज है ना उनको भगाऊंगा किसी तरह से, ठीक है दोस्तों। तो सत्याग्रह जो उन्होंने भारत में चलाए उनकी बात बाद में करेंगे, पहले कुछ और बातें जानते हैं महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जो थे, इनका जो प्रिय भजन था ना रघुपति, इसका महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन था वो लिख लेना, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, पतित पावन सीताराम, ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन था दोस्तों, जो हमेशा वो गाते रहते हैं। ये लिखा किसने है दोस्तों? तो ये विष्णु दिगंबर ने लिखा है, पेपर में आगे सीधा कि ये जो गीत है ये जो महात्मा गांधी गाते हैं ये लिखा किसने? तो विष्णु के दिगंबर ने ये भजन लिखा था दोस्तों, ये भजन है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा महात्मा गांधी को ना, महात्मा गांधी ने कुछ किताबें लिखी, कुछ पत्रिकाएं लिखी और कुछ किताबें लिखी, उनको हम जानते हैं। देखो दोस्तों कुछ नहीं छोड़ूंगा महात्मा गांधी, आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो और इसमें एक एक चीज आपको जाननी जरूरी। महात्मा गांधी ने ना कुछ पत्रिकाएं लिखी जिसको हम पेपर्स कह सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, यंग इंडिया 1919 में, इसके अलावा नवजीवन, एक हरिजन, ये लिखे उन्होंने। देखिए यंग इंडिया लिखे उन्होंने अंग्रेजी में, इंग्लिश, इंग्लिश भाषा में, देखिए इंग्लिश में पता लगेगा। नवजीवन जो है गुजराती भाषा, ये पत्रिका जो थी छपती थी जो, ये गुजराती में, हरिजन जो थी हिंदी में थी दोस्तों। अभी यंग इंडिया जो 1919 में, ये भी 1919 में थी, ये 1933 में दोस्तों, जब जो दलित थे उनको हरिजन का नाम दिया था ना महात्मा गांधी, तो ये न्यूज़पेपर छपते थे इस नाम से, तो ये महात्मा गांधी द्वारा कुछ पत्रिकाएं हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी ने कुछ किताबें लिखी, उस किताबों के नाम, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने एक जहाज में बैठ के एक किताब लिखी, हिंद स्वराज, ये पुस्तकें हैं दोस्तों, पुस्तकें, हिंद स्वराज, ये लिखी 1909 में एक जहाज में बैठकर, जहाज यात्रा, जब जहाज यात्रा कर रहे थे ना तब ये बुक उन्होंने लिखी थी, पहली किताब। दूसरी किताब है उनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी ने कब लिखी? ये महात्मा गांधी ने 1925 के दिनों में लिखी दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किताब का नाम है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मा, अब देखिए महात्मा गांधी जो थे ना वो किस किस के जीवन से प्रेरित थे ये बात हम जानते हैं। महात्मा गांधी का जीवन जो था ना, उनको कैसे आया कि मेरे को सभी ये सारे आंदोलन करने हैं, सहयोग आंदोलन करना है? तो महात्मा गांधी जो थे ना, उन्होंने भारत में जो सविनय, यह पढ़ेगा आगे अच्छे से,
सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट जो चलाया, ये जो है महात्मा गांधी जो थे ना, ये किससे प्रेरित थे? तो महात्मा गांधी ने किताब पढ़ी थी थोरो, थोरो की किताब थी सिविल डिसओबिडिएंट, थोरो ने किताब लिखी थी सिविल डिसओबिडिएंट, ठीक है। उसकी किताब पढ़ के महात्मा गांधी के मन में आया कि मेरे को भी क्या चलाना चाहिए, सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया भारत में, तो ये किताब किसने लिखी थी? थोरो। तो महात्मा गांधी इनके जीवन से प्रेरित थे, इनके थोरो की किताब से, किताब का नाम था सिविल, लिख लीजिए आप, डिसओबिडिएंट, ठीक है, ये थोरो की किताब थी। दूसरा जो सूर्योदय था ना, सूर्योदय जैसे अनशन करते थे महात्मा गांधी, ये किसके उससे प्रेरित थे सूर्योदय? तो जॉन रस्किन, जॉन रस्किन, इन्होंने किताब लिखी थी अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट, इस किताब से प्रेरित थे महात्मा गांधी, ठीक है। आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी ने किसके विचारों से प्रेरित थे, एक तो थोरो, एक जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट, इनके विचार से प्रेरित थे। और वो सत्य की जो बातें करते थे ना कि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, ये सारी बातें वो किसकी, कौन सी किताब पढ़ के प्रेरित हुए दोस्तों? तो टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय जो थे, इनकी एक किताब थी दोस्तों, उस किताब का नाम था द किंगडम ऑफ, ये किताब किसकी थी? टॉल्स्टॉय की। तो इससे ये किताब पढ़ के इनके मन में आया कि मेरे सत्य, मतलब महात्मा गांधी के जो सत्य वाले विचार थे ना, वो कौन सी किताब से आए? इस किताब से, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ठीक है, टॉल्स्टॉय की किताब पढ़ के इनके मन में आया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप याद रखिए, महात्मा गांधी को कुछ उपाधियां मिली, जैसे महात्मा गांधी को आपको पूछा गया कि महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू की उपाधि किसने दी? बापू। तो महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी दोस्तों सबसे पहले? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी थी सबसे पहले। उसके बाद महात्मा की उपाधि किसने दिया महात्मा गांधी को? महात्मा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। उसके बाद तीसरा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहली बार? सुभाष चंद्र बोस ने, किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद याद रखना, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स याद रखना दोस्तों, ये कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने, और इनके साथ मैकडोनाल्ड भी थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन और मैकडोनाल्ड भी इनके साथ थे, उन्होंने भी कहा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इनको अर्ध नंगा फकीर किसने कहा? अर्ध नंगा फकीर, अर्ध नंगा फकीर किसने कहा महात्मा गांधी को? तो विलियम चर्चिल नाम के हुआ करते थे चर्चिल, अब चर्चिल से याद रखिए, ये भी अंग्रेज था, इसने अर्ध नंगा, और इसी बंदे ने ना महात्मा गांधी को गद्दार फकीर भी कहा था, गद्दार फकीर, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना गोल में सम्मेलन, उसके बाद कहा था ये विंस्टन चर्चिल ने, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्ध नंगा फकीर, गद्दार फकीर, ठीक है, ये सारी संज्ञा उन्होंने ली है, ठीक है दोस्तों। ये महात्मा गांधी से जुड़े कुछ तथ्य थे दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी की जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इतना जो है महात्मा गांधी के बारे में पहली वीडियो में बहुत है, नहीं तो वीडियो लंबा खींचेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से देख लेनी है, बाकी की हम बाद में बात करें।